मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार चल रही है पर पार्टी का जनाधार खिसक गया है और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है शिवपुरी के पिछौर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह का। ये बयान किसी चार दीवारी में नहीं दिया गया बल्कि खुलेआम सभा में उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो भी चुनाव हार गए। ऐसे बहुत सारे नेता चुनाव हार गए जिनके बारे में कहते थे कि वे चुनाव नहीं हारेंगे, उसमें हमारे सिंधिया जी भी थे, वो भी चुनाव हार गए। उससे ये संदेश गया कि अब पब्लिक कांग्रेस के साथ नहीं है। वहीं केपी सिंह ने कहा कि विधानसभा में बहुमत या किसी तरह से सरकार बन गई पर वही पुरानी व्यवस्था, लूट खसोट भ्रष्टाचार अनाचार का वातावरण बना हुआ है। कुछ कमी आई लेकिन उतना असर नहीं हुआ जितना सरकार बनने के बाद होना चाहिए था, इसीलिए सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। पार्टी को लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी डर लग रहा है। लोकसभा में कांग्रेस का सफाया हो जाना, 10% पर विपक्ष का नेता बनता है, तो जब 10% ही लोग कांग्रेस के नहीं जीते तो विपक्ष का नेता भी कोई नहीं बनता है। वो जो पार्टी के अध्यक्ष से राहुल गांधी वही चुनाव हार गए, ऐसे बहुत सारे नेता चुनाव हार गए जिनके बारे में ये था कि ये कभी हारेंगे नहीं, उसमें हमारे सिंधिया जी भी थे, वो भी चुनाव हार गए। तो उससे ये संदेश गया कि पब्लिक कांग्रेस के साथ अब नहीं है। विधानसभा में बहुमत या किसी तरह से सरकार बन गई तो इस मानसिकता की वजह से भी बहुत बड़ा दबाव जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें नहीं बन पाया, वही पुरानी की पुरानी व्यवस्था, लूट खसोस अनाचार भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। कुछ कमी आई है लेकिन उतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था सरकार बनने के बाद। ये कुछ कारण है लोकसभा में कांग्रेस का सफाया हो जाना, ये दो मोटे मोटे कारण हैं। उस वजह से उतना प्रशासनिक सुधार जो होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाए, मेरे मन में भी संतुष्टि नहीं है।